सफारी में किसी भी फोटो पे होल्ड करके आप लोग डायरेक्टली यहाँ से सब्जेक्ट कॉपी कर सकते हो एंड देन इसको व्हाट्सएप और मैसेजेस में सेंड भी कर सकते हो। मैं जैसे ही स्वाइप अप कहता हूँ तो नेक्स्ट रील आ जाती है, और जैसे ही स्वाइप डाउन कहता हूँ तो पहले वाली रील आ जाती है। ऐसा करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, अब यहाँ पे वॉइस कंट्रोल सर्च करना, देन बस इस ऑप्शन को इनेबल कर दो। फोटोज में जाके सर्च पे क्लिक करके जैसे आप लोग कोई इमोशन सर्च करोगे जैसे कि लाफिंग, क्राइंग या फिर प्लेइंग वगैरह, तो आपके सामने वो फोटोज आ जाएंगी जिसमें आप लोग हंस रहे हो या फिर खेल रहे हो या फिर जो भी आपने इमोशन लिखा होगा। जैसे आपको स्क्रीनशॉट लेते हो तो नीचे इस तरह का प्रीव्यू आ जाता है, आपको बस सिंपली इस पे होल्ड करके रखना है, देन यहीं से आप लोग डायरेक्टली इसको शेयर कर सकते हो, आपको फोटोज वगैरह में सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई मैसेजेस ऐप में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि किसी को वॉइस मैसेज भेजने के लिए आपको सिंपली अपने फोन को अपने कान के पास लाना है, देन जो भी आप लोग बोलोगे वो ऑडियो के फॉर्म में सामने वाले को सेंड हो जाएगा। मैसेजेस में प्लस आइकन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से किसी इमोजी या फिर स्टिकर को एज अ रिएक्शन यूज कर सकते हो। अगर किसी का फोन आ रहा है तो आप लोग बिना उठाए सिर्फ वाइब्रेशन से पहचान सकते हो कि किसका होगा। फोन ऐप ओपन करके आपको बस उस यूजर पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आप लोगों को कस्टम वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से खुद की वाइब्रेशन सेट कर सकते हो। अब जब भी उसका फोन आएगा तो सिर्फ वाइब्रेशन सुन के आपको पता चल जाएगा। सफारी के सारे टैब्स को एक साथ क्लोज करने के लिए आपको बस यहाँ पे होल्ड करके रखना है, देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लोज ऑल टैब का। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसे टैब्स है जिनको आप लोग क्लोज नहीं करना चाहते हो तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, देन एक नया टैब बना लो। अब वापस आके सिंपली किसी भी टैब को होल्ड करके रखो, देन बाकी टैब्स पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो इनका एक स्टैक बन जाएगा। अब इन टैब्स को आप लोग दूसरे पेज में शिफ्ट कर सकते हो। अब जब आप सारे टैब्स क्लोज करोगे तो ये वाले टैब्स आपके डिलीट नहीं होंगे। कोई भी आर्टिकल पढ़ते वक्त जैसे आप लोग इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो ये आपको एक रीडर व्यू देगा जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। आप लोग सीरी से पूछ सकते हो कि कोई जानवर कैसी आवाज निकालता है, जैसे कि हे सीरी व्हाट साउंड डॉग मेक्स। ऐसे ही 20 और ट्रिक्स देखने के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हो।